अली खान की फिल्म आदि पुरुष को लेकर इतना बड़ा फैसला किया गया है जिसे सुनकर तो फिल्म का विरोध करने वाले भी हैरान रह गए हैं। आदि पुरुष में सैफ अली खान की जो दाढ़ी दिख रही थी अब वो नहीं दिखेगी, यानी उस दाढ़ी को गायब कर दिया गया है। पिछले दिनों फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद रावण के लुक को लेकर खूब सवाल उठे थे। खड़े बालों वाला हेयर कट, खिलजी जैसी दाढ़ी और आंखों में काजल देखकर लोगों ने इस लुक पर मेकर्स को खूब खरी खोटी सुनाई दी। लोगों का कहना था कि ये हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, रामायण के पात्र को बदलकर मेकर्स अपमान कर रहे हैं। लोगों ने यहाँ तक धमकी दी थी कि वो आदि पुरुष को रिलीज ही नहीं होने देंगे। डर के मारे पिछले दिनों पहले मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट को 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया और अब उन्होंने रावण का लुक बदलने का फैसला ले लिया है। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब आदि पुरुष का रावण बिना दाढ़ी के नजर आएगा। VFX की मदद से सैफ अली खान की दाढ़ी को हटाया जाएगा। इतना ही नहीं, हनुमान जी और राम जी के लुक में VFX की मदद से बदलाव किए जा सकते हैं, क्योंकि रावण के लुक के अलावा लोगों ने राम जी और हनुमान जी के लुक पर भी ऐतराज जताया था। लिहाजा निर्माता VFX पर पैनी नजर रख रहे हैं। आदि पुरुष को बनाने में पहले ही 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। नए VFX पर 100 करोड़ रुपए का और ज्यादा खर्च आएगा। ये फिल्म भारत की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होगी। ऐसे में मेकर्स की एक छोटी सी चूक फिल्म पर पानी फेर सकती है। हालांकि मेकर्स भी तभी झुकने को तैयार हुए हैं जब पब्लिक ने इतना विरोध किया है, वरना तो ये फिल्म 12 जनवरी 2023 को ही रिलीज होने वाली थी। इससे पहले संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत में भी दीपिका पादुकोण की ज्यादा कमर दिखने पर लोगों ने ऐतराज जताया था, जिसके बाद VFX की मदद से उनकी कमर पर साड़ी लगाई गई थी। वेल, रावण की दाढ़ी हटाने के फैसले पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए।